नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लड़की ने बीच सड़क कैब ड्राइवर को धोया, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ने बीच सड़क युवक को पीट रही है। इस वीडियो को वायरल होने के बाद ट्विटर पर अब हैशटैग अरेस्ट लॉकडाउन गर्ल ट्रायल हो रहा है। 2 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में लड़की एक नौजवान लड़के की जमकर पिटाई कर रही है और आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग पीछे से लड़की को इस हरकत पर विरोध भी जता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कियों पर शांति भंग करने के धारा में चालान किया तो लड़की को दोबारा ऐसी हरकत न करने के लिए हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस लड़की की गिरफ्तारी को मांग की जा रही है। वही सोमवार को सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज में भी लड़की की कहानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल शनिवार शाम लखनऊ के कृष्णा नगर अवध चौराहा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में एक लड़की ओला कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई पड़ रही है। मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ लड़की को रोकने की नाकाम कोशिश करता दिखाई पड़े। इस मामले पर अब कृष्णा नगर पुलिस से बात की गई तो बताया गया कि 30 जुलाई की शाम करीब खेड़ा क्रॉसिंग से अवध चौहारे के पास पैदल जाने हुए एक्सयूवी सवार 3 लड़कियों ने इस लड़की को टक्कर मार दी थी, जिस पर लड़की ने एक युवक को उतराकर उससे मारपीट की। बाद में दोनों पक्षों को थाने ले लाया गया और तीनों लड़की का शांति भंग करने के केस में चालान किया गया। वहीं लड़की को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने दलील दी कि एसयूवी एटा के एसडीएम की थी, जिसमें सवार लड़कियों को लड़की ने विवाद हुआ था। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला लुतुल पकड़ने लगा। साथ ही पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े किए जा लगे हैं, क्योंकि वीडियो में लड़की ने पिटने वाला लड़का और कैब ड्राइवर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस की एएसयूवी सवार लड़की को थ्योरी सवालों में के घरे में आ गया है।